अच्छा सीन है, देखो कितनी अच्छी सुहाना मौसम और ऐसी ये इतनी लंबी रोड, वाह। मतलब कुल मिला के मेरा हुस्न जो है ना, हुस्न खराब हो रहा है। ऑल राइट, वेलकम बैक टू द पीसीबी व्लॉग्स। और आज कितने शालीनता से मैंने वेलकम किया है, और इस सुहाने मौसम में, वेल सुहाना तो नहीं है लेकिन जैसा भी है इस मौसम में, आज हम जा रहे हैं बहुत ही यूनिक जगह जिसका नाम बहुत ज़्यादा यूनिक है। इस नाम को जब भी मैं लेता हूँ तो मुझे लगता है नाम क्यों रखा गया है। अब वैसे तो थंबनेल से और पता पड़ ही जाएगा यार कहाँ जा रहे हैं, तो फालतू का सस्पेंस क्यों बनाना। तो अभी हम जा रहे हैं माचिया पार्क। माचिया, ये माचिया नाम किसने रखा भाई, ये सेंसर्ड ना हो जाए भाई। माचिया जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम आ गए माचिया पार्क के अंदर, और बिल्कुल पार्किंग की जगह नहीं बने, बड़ी मुश्किल से गाड़ी को पार्क किया है यहाँ पे। और ना नहीं बिल्कुल पार्किंग की जगह नहीं है, और बहुत ही मैंने खुद ने हमने बहुत मुश्किल से गाड़ी पार्क करी है, चलानी नहीं आती इसलिए शायद, बाकी जगह बहुत कम है, बंद कर दो यहाँ पे, जगह बहुत कम है। अभी मैं बैठा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ, टिकट की लाइन बहुत लंबी है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम तो कुछ नहीं, चलो ले ही लेते हैं टिकट। ये पार्क का नाम माचिया क्यों रखा है? अच्छा नहीं, आगे वाला माचिया क्यों है? मेरे मन में सवाल है, माचिया ही क्यों है? छूट के अगर भैया, ₹5 सवारी, ₹5 सवारी, बैठो बैठो जल्दी बैठो, बैठो आओ बैठो, बस यही दिन बाकी रह गए थे अब। ऑडी की गाड़ियाँ चला रहे हैं यहाँ पे ₹5 सवारी। ऑल राइट, तो मैं बोल रहा हूँ ₹5 सवारी, लेकिन ₹5 सवारी नहीं है वो। अगर किसी को इलेक्ट्रिक कार्ड लेना है, इस सुहाने मौसम में नहीं घूमना, अगर कोई इस वक्त आता है तो ₹210 में पूरी गाड़ी आपको मिल जाएगी, और हर जगह 5-5, 10-10 मिनट ये गाड़ी रुकती रहेगी, तो आप वहाँ उतर के उन पिंजरों में झांक सकते हैं। जानवर दिख गए तो तुम्हारी किस्मत, नहीं दिख गए तो उनकी अच्छी किस्मत। अगर तुम लोग इस रास्ते से जिस पर हम चल रहे हैं इससे हटके कहीं चले तो तुम्हारा चालान काट दिया जाएगा, ध्यान रखना, इन झाड़ियों में मत चलो। तो अब पहला पिंजरा आ गया है सिंही का, और सामने वो देखिए वो मज़े से खा रहा है, और हम यहाँ गर्मी में अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं, ये भी सोच रहा होगा गर्मी में आराम से अपने घर पे बैठो। एक वो लौंडा बैठा वहाँ पे सामने, अपने तीर उसने बिखेर रखे हैं कि अभी भी टाइम है, घर चले जाओ, सो जाओ चुपचाप, एसी ऑन करके यहाँ पे आ गए मुँह उठा के। अभी मैं दिखा ही रहा था, शुरुआत ही हुई थी, थोड़ा सा मेरे को साइड में आना पड़ा, तो बहुत भयंकर रूप से बास रहा है, मतलब मेरे को तो उल्टी उल्टी से होने लग गया बिल्कुल। पीछे से कहाँ से पिंजरे में से हवा का झोंका है, वो खा रहा था वही खाने के साथ साथ, मुझे लगता है उसने गैस पास कर दी। थोड़ा रुक रहे हैं हम, थोड़े सा हवा पास हो जाए फिर मैं बाकी की तुमको दिखाता हूँ एक बार। अब बिज्जू भाई के यहाँ पे आए हैं, बिज्जू भाई कहाँ बैठे हैं देखते हैं, वो बैठे बिज्जू भाई वहाँ पे एंड में आ रहा है, करवा रहे हैं। अरे पास में मिल गए, देखो पानी की बोतल ले ली है, और ये मेहरानगढ़ की तरफ ओवर प्राइस नहीं है, 20 रुपये की है तो चल रहा है। मैं एक्चुअली ये सोच रहा हूँ ये कहाँ है, ये बंदा ये लगा तो ये पोस्टर में, लेकिन ये दिख नहीं रहा, इसको दिखाओ। और यहाँ पे कुछ तोते अतरंगे हरकतें करते हुए दिख जाएंगे आप। माचिया ने मेरे को गुमराह किया, वो जो पक्षी जो पीछे वाले में दिखा रखा था वो आगे वाले पिंजरे में है। मुझे लगता है कि ये सारे के सारे जितने भी पक्षी हैं ना, सारे रंगीन स्वभाव के, इनकी फोटोज तो देखो काफी रोमांटिक फोटोज है इनकी। ईमू, ईमू के अंडे भी पड़े हैं, ओरे ओरे, वो पड़े हैं। अच्छी
या ऑलराइट, तो पीसीबी टीम यहाँ पे आप लोगों के लिए इतनी धूप में आ चुकी है, और जैसा कि अभी आपने ईमू देखा था, मुंह हो गया था उसका काला, हाथ पैर सब काले थे, अभी थोड़ी देर में मैं भी ईमू ही हो जाऊंगा इस सुहाने मौसम में घूमता हुआ, लेकिन आना था तो आ गए। इसी बात पे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और एक बात और बता दूँ, अगर ऐसे मौसम में आओगे ना तो जानवर मोस्टली है ना अपने पिंजरे के अंदर होंगे, गर्मी में बाहर नहीं होंगे, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाओगे। तो थोड़ा सा शाम के टाइम या थोड़ा सा सुबह जल्दी आना अगर इनको बाहर देखना है और वास्तव में देखना है। हम तो खुद ही जानवर बन जाएंगे अभी ऐसे इतनी देर घूमते रहते हैं यहाँ धूप में। अब हम फिलहाल एशियाटिक लॉयन के केज के बाहर खड़े हैं, और जैसा कि मैंने कहा था कि गर्मी है और गर्मी के अंदर कोई भी नहीं दिखेगा, डिसअपॉइंट मत हो जाना, तो अभी कोई भी नहीं दिख रहा है। ऑल राइट, तो देखो ये शेरनी है सामने, शेरनी का पिंजरा है, अभी आपने देखा होगा, और इससे आपको पता पड़ जाता है कि जैसे कि मैं कहता हूँ तुम्हारा भाई शेर है, शेर है, तो जितने भी मेल प्रजाति होती है ना थोड़े आलसी होते हैं, और ये बिल्कुल सच बात है। अब जो आलसी नहीं है वो ऑफेंड मत हो जाना, मैं तो आलसी हूँ, तो शेर देख लो अंदर आराम से छाया में बैठा है, बाहर नहीं है, और नहीं यार मैं भी तो धूप में हूँ, मैं आलसी नहीं हूँ। बतख के पिंजरे के पास में, और मैं एक बात देख रहा हूँ कि इसके अंदर पानी बड़ा मतलब गंदा सा है, और ऑलमोस्ट एक साइड में तो पानी है ही नहीं। अब तुमने यार बतखें रखी है तो एटलीस्ट पानी तो दो, यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ रही है, हमको खुद को हर थोड़ी थोड़ी देर में पानी चाहिए होता है, तो पानी में रहने वाला मतलब बतख पानी में रहती है हर वक्त, इनको मुझे पता है कि गर्मी लग रही होगी, एक साइड में तो ऑलमोस्ट पानी ही नहीं है, और यहाँ पे अगर है तो बहुत गंदा है। माचिया क्या कर रहे हो आप, माचिया पानी भरो। तो जैसे देखा आपने बतख वाला और ये सब अनशंड दिखा दिया आपको, मेरे सामने कचरा पात्र लगा हुआ है उसमें कचरा डालने के लिए, लेकिन लोगों ने क्या किया कि उसके ऊपर ही पीक थूक दी। ऑलराइट, तो जैसे कि आपको पता ही है कि जितने भी मेहरानगढ़ हो या फिर ताजमहल हो, जहाँ पे भी जाओ आपको लव मैसेज भर भर के मिल जाएंगे, और ये भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। माचिया वैसे भी इतनी रोमांटिक जगह है, तो यहाँ पे देखो आप जैश लव सपना, लेकिन मेरे को आपको ये नहीं दिखाना है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आज तक का सबसे अच्छा मैसेज मेरे को लगा कि कोई बहुत RS IS तैयारी करने वाले बंदे ने यहाँ पे उसको कोरा है। देखो मैं दिखाता हूँ इस तरफ, यहाँ पे फोकस करोगे तो दिखेगा RS 2021, और ऊपर बना रखा है बंदे ने दिल का साइन। ये सबसे इंस्पायरिंग लव मैसेज है यहाँ पे कि अपने कैरियर से भी उतना प्यार करो जितना कि अपने पार्टनर से। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या दिखा रहा हूँ, तो वैसे भी जानवर तो दिख नहीं रहे, तो थोड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें देख लो ना, और इससे भी अच्छी और इससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ अब मेरे को मिल गई है दीवार पे। किसका नाम मिला है तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो, मेरा, तुम्हारे भाई का। ये देखो RJUN। अब लव्स लिखने के बाद में ये नहीं पता कि किस से, तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि अर्जुन लव्स हु। माचिया चलते चलते धूप में थक जाओ, तो ये वाटर हेड जहाँ पे अभी हम खड़े थे वहाँ पे बैठ जाना, माचिया में सारी सुविधाएं हैं। इंटरेस्टिंग बात तो बताई नहीं यार, और मैंने खुद ने अभी मेरे को एकदम से दिमाग में आई कि यहाँ पे टिकट था 32 रुपये, ठीक है, लास्ट टाइम जब वहाँ गए थे उमेद भवन वहाँ पे टिकट था 30 रुपये। तो इससे पता पड़ता है कि PCB व्लॉग्स का जो है ना, सारे अब बजट व्लॉग्स आ रहे हैं, अब हम बनाएंगे टॉप प्लेसेस टू विजिट इन ₹30 ओनली, मतलब हम बजट पे आ गए हैं, और अब हम चने भी लेके आए हैं जेब में, चने खाएंगे बैठ के। हमारे जो PCB व्लॉग्स के कैमरा मैन है कह रहे हैं कि भूख लग रही है, भूख लग रही है, घर से ये ब्रश भी करके नहीं आए थे, सुबह उठ के हम यहाँ पे आ गए। तो मैंने इनको यही कहा था, मैंने कहा काफ़ी पेड़ वहाँ पे उगे हुए हैं, तो नीम वीम का कोई पेड़ होगा तो दातुन तोड़ के, और आराम से देख सकते हो चारों तरफ बहुत सारे पेड़ है, तो दातुन वातुन तोड़ के वहाँ पे ये घिस लेना अपने दांतों में, क्योंकि बजट हमारा वैसे ही बहुत हाई हो चुका है, 30-30 रुपये वाली जगहों पे ही घूम रहे हैं हम। तो अभी चना ब्रेक लेंगे, और कैमरामैन के मुंह में अभी मैं चने ठूसूंगा थोड़ी देर में। आखिर हम उस जगह पर आ गए जहाँ पे अब मेरे जो टीम PCB के जो मेंबर हैं उसके लिए मैंने नीम का पेड़ ढूंढ लिया है, अब
दातुन इनके मुंह में घुसेड़ के इनको आज ब्रश करवा दूंगा। और ये पिंजरा बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भालू को ऐसा वैसा भालू नहीं है, तुम इसको कुछ ऐसा वैसा मत समझना, ये कौन है, स्वस्थ भालू, ये कुछ अपने टाइप का बंदा है। जगदोजहद चालू है और मुझे पहले से ही पता था कि जब इतनी धूप या इतनी गर्मी होगी तो जानवर नहीं दिखेंगे, तो मैं एक बार फिर से कह देता हूँ कि अगर आप आ रहे हो तो अर्ली इन द मॉर्निंग आओ, या फिर जब थोड़ी सी धूप कमज़ोर पड़ जाए ना तब आओ, क्योंकि यार जैसे अपन को गर्मी लगती है जानवरों को भी लगती है, तो सब अपने पिंजरे में दुबके हुए बैठे हुए हैं या फिर छाया में बैठे हुए हैं, तो नहीं दिखेंगे और तुम भी अपने पाँव तोड़ के और फालतू घर पर लौटोगे। तो जो मैंने टाइम बताया उस हिसाब से आना, वरना एक भी जानवर नहीं दिखेगा। मैं तो खुद जानवर की खोज में लगा हुआ हूँ, वापस से चलना शुरू कर दिया है और अब आई गेस हम शेर, जो बब्बर शेर होता है, उसके पिंजरे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं अब ये दिखता है कि नहीं दिखता। एक बार बहुत पहले मैं आया था तो उस टाइम भी नहीं दिखा था, धूप थी तो, और आ जाया हूँ तो वापस धूप में ही आया हूँ। तो देखते हैं, अगर दिखता है तो दिखा दूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो दिख ही रहा हूँ ना, भूल गए क्या, शेर है तुम्हारा भाई। शेर वहाँ पे सो रहा है। अब हम खड़े हैं शेर के पिंजरे के बाहर, लेकिन आज लकीली शेर बाहर बैठा है, लेकिन आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि इस लेंस की जितनी क्षमता है, और बीच में जो जालियाँ आ जाती है ना, उसके बाद में मैं कितना भी जूम मार दूँ ना वो नहीं दिखेगा। फिर भी थोड़े बहुत शॉट स्टार्टिंग में दिखाए थे, उतना ही दिख रहा है, बाकी वो बाहर वहाँ पे पेड़ की तरफ बैठा हुआ है, अभी उसका खाना वाना आया हुआ है तो मोस्टली वो अंदर ही चला जाएगा। कोई बात नहीं, मैंने क्या कहा था, शेर जब साफ नहीं दिखे ना डिसअपॉइंट अपन क्यों होते हैं, ये मैं खड़ा हूँ ना बाहर, तो पिंजरे के अंदर है, ये बाहर देखो ना साफ, शेर तुम्हारा भाई, क्या करना, देखे देखिए शेर के लिए कितना चल के आए, देखो क्या रास्ता है पीछे का, ये देखो इतना ऊपर चढ़ के आए और दर्शन कहाँ हुए, इतना दूर बैठा हुआ छाया में, तो मैंने क्या कहा था, धूप में ज़्यादा नहीं आने का, थोड़ा सा ठंडक हो तब आने का, एक एक जानवर दिखेगा। ऑल राइट, तो यार आप देख रहे हो इतनी गर्मी में आपके लिए घूम रहा हूँ बिल्कुल, तो जितना आपको मेरे चेहरे पे पसीना दिखे ना उतना ही लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना, जितना पसीना दिखे ना उतना लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जैसे कि देख सकते हैं, मैंने कहा था कि मैं कितना पसीना बहा रहा हूँ आप लोगों के लिए, और जितना पसीना बहेगा उतने लाइक और सब्सक्राइब करने आपको, चलो आगे बढ़ते सब्सक्राइब। अब हम, अरे उठ गए टाइगर, अभी थोड़ी देर पहले सो रहा था, वो रहा सामने टाइगर, अभी हम जस्ट यहाँ पे टाइगर वाले पिंजरे पे आए हैं और आप उंगली की सीध पे देख नहीं पाएंगे, एक तो ये जालियाँ बहुत ख़राब है वीडियो कैमरे के हिसाब से, वो बिल्कुल सामने है, वो उठ गया नींद से, उसने देखा कि एक टाइगर के सामने दूसरा टाइगर आ गया है और दोनों ही अभी जिंदा है, किकिंग एंड अलाइव, जिंदा है। तो मैं एक सीरियस नोट पे एक बात बोलता हूँ, पहले जी जितने भी जानवर आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो जोधपुर में यहाँ पे पब्लिक पार्क में थे और वहाँ पे काफ़ी पर्यटक आते भी थे, अब इन्होंने इसको बिल्कुल एक सेपरेट आइसोलेटेड जगह, ये जैसे कायलाना झील के पास में कर दिया, नाम रख दिया माचिया सफारी पार्क, ठीक है मेंटेनेंस भी अच्छी है, अभी धीरे धीरे काम बढ़ रहा है लेकिन थोड़ा स्लो जा रहा है, और पिंजरों के हालात मुझे इतने अच्छे लग नहीं रहे हैं, जैसे कि वो बतखों वाला दिखा है, वहाँ पर पानी नहीं है और ऑलमोस्ट गर्मी के सीज़न में पानी नहीं है, वो ख़राब बात है, और थोड़ा सा हर जगह पिंजरे कुछ कुछ जगहों पे खाली पड़े हुए हैं, तो अगर आपको टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है तो एक बार इसको प्रॉपरली बनाना पड़ेगा। और ये की हालात वहाँ पे पब्लिक पार्क में हो रहा है, वहाँ पे लाइब्रेरी है, वहाँ पे म्यूज़ियम भी है, लेकिन वहाँ पे लोग जाते नहीं हैं क्योंकि कई पर्यटक तो वहाँ पे जाते ही नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे गेट तो बंद ही पड़े रहते हैं, वो अलग है चीज़, वो मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा, बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पे ध्यान दीजिए तो पर्यटक बिल्कुल आएंगे यहाँ पे। अच्छा सीन है, देखो कितनी अच्छी सुहाना मौसम और ऐसी इतनी लंबी रोड, वाह, मतलब कुल मिला के मेरा हुस्न जो है ना, हुस्न खराब हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा था, मुझे पूरा एक्सपेक्टेड था कि ये मगरमच्छ जो है ना नहीं दिखेगा, अब यहाँ कहीं पानी के अंदर कहीं खोया पड़ा हो तो कह नहीं सकते, आगे घड़ियाल या मगरमच्छ का एक और शायद बना हुआ है, वहाँ देखते हैं अगर वहाँ कुछ दिख जाए तो। तैर रहा है भाई, तैर रहा है क्या भाई, टीम पीसीबी मेंबर तुमको है ना, तैरना हो तो इसमें धक्का वक्का दे दूँ, तैर ही आना थोड़ा,
देख क्या हो कहाँ है वो अंदर। तो ऑल राइट, तो आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैंने क्या कहा था, कहीं ना कहीं दिखेंगे वो। अरे सामने दो पानी के ऊपर तिर रहे हैं, बिल्कुल आनंद ले रहे हैं पानी का। तो जैसा कि आपने देखा, तुम्हारे भाई ने फिर देखा ही होगा कितना पसीना बहाया। कुछ दिखे जाए और कुछ नहीं दिखे, जैसा कि मैंने तुमको बताया था कब दिखेंगे कब नहीं दिखेंगे, उस टाइम से अपने अकॉर्डिंग अगर आओ तो सेट कर लेना। तो पार्क तो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, अभी थोड़ी देर बैठा हूँ यहाँ पे। कैमरामैन थोड़ा दिखाएंगे, यहाँ पे पीछे एक ये म्यूज़ियम टाइप बना हुआ है, तो ये म्यूज़ियम है। कैमरामैन बस ठीक है, तो अब ये म्यूज़ियम है, तो थोड़ा सा अब यही बच रहा है, इसके बाद सीधा फिर एग्जिट वाला गेट आ जाएगा। तो ये दिखा देते हैं और फिर चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्तव में थक चुका हूँ मैं, बहुत धूप है। म्यूजियम के अंदर और चारों तरफ जानवरों के अलग अलग तस्वीर लगी हुई, उनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल दे रही थी। इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे कि भारतीय लोमड़ी और ये सब तो मैं आपको दिखाता हुआ ही आया हूँ। तो ठीक है, बना रखा है, बाज थोड़ा बहुत प्लांट्स है, इतना कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन अब अंदर आए हो तो एक बार अंदर यहाँ पे भी आ ही जाना। मुझे लगा एसी चल रहे हैं लेकिन बंद है। चलो माचिया वालों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया। अभी आपने देखा वो जो एग्जिट दिखाया मैंने आपको बाहर आने का, पूरे पार्क में से घूम जाओगे लेकिन एग्जिट है ना आपको कैंटीन के अंदर से मिलेगी। और खैर बात भी सही है यार, जो कैंटीन चला रहा है थोड़ा बहुत धंधा भी होना चाहिए। लेकिन मतलब दिमाग लगाया कि एग्जिट यहाँ से करेंगे तो बंदा कुछ ना कुछ खाएगा, कुछ ना कुछ पिएगा, एटलीस्ट पानी की बोतल तो ले गई, तो सही है। हालत हो गई है धूप में ख़राब। और ये था जोधपुर का माचिया पार्क, अच्छी जगह है लेकिन थोड़ा इम्प्रूवमेंट की सख्त सख्त ज़रूरत है। अगर कोई जोधपुर में से ऐसा कोई बंदा देख रहा है जो इस चीज़ से रिलेटेड हो, तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा सा और अच्छे से सुधारो, ताकि पर्यटक स्थल और भी अच्छा हो सके और ज़्यादा विजिटर्स यहाँ पर आ सकें। तो अब फ़िलहाल यहाँ पर तो हम घूम चुके हैं और अब जा रहे हैं, और इतनी हिम्मत भी नहीं है कि और कुछ क्या दिखाऊं। तो मैं सोच रहा हूं कि व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। और अब इस समय बहुत अच्छा लग रहा है, जब एसी की ठंडी ठंडी हवा मेरी बदन से टकरा रही है, तो इस हवा का एंजॉय लेते लेते अपनी घर की तरफ या जहां भी मेरे को काम है वहां पे मैं जा रहा हूं। लेकिन इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूं। और हमेशा की तरह आप सभी को पता है कि क्या करना है, एक तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और दूसरा डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। मिलते हैं अगले व्लॉग में।